Shubhra. Sit Shubhra. Good. Shubhra has raised the question which I am pretty sure pertains to all of us. Sawal ek ne pucha par hai sawal sabka. Her question is, one, loneliness, second, the habit of comparison. Why can't I just comfortably stay alone with myself? Why must I necessarily, as I said, latch onto somebody? Second, why do I start comparing? The moment I see something, anything, a sense of comparison starts in my mind. Why must that happen? See, Shubhra, you're asking this question, and that enough, that alone tells me that these two things cannot be comfortable to you. Agar ye dono cheeze aapko anand deti, to aap ye puchti nahi ki main inka kya karu. The very fact that you are asking what to do with it means that you do not like it, right? Means that you do not like it. See when that happens. See when you start comparing and that you are not liking it. Comparison is not that big a problem. Loneliness is also not a big problem. Our minds are natured in that way that it does not want to be alone. Lonely, that it does not want to be with itself. वो हमेशा चाहता रहता है कुछ ना कुछ करना, इधर जाना उधर जाना. एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग ऑल दिस टू सीरियसली. जस्ट टेक इट एज अ जोक. जस्ट टेक इट एज अ जोक ऑफ द माइंड. दिस माइंड इज लाइक अ स्मॉल किड. इट डज नॉट डिजर्व टू बी टेकन सीरियसली. व्हेन यू आर सीरियस अबाउट इट, देन यू गेट आइडेंटिफाइड विद इट. When you think that this mind is doing something very important, then you get identified with it. आपने में से कुछ लोगों ने weakness के बारे में सवाल पूछा था. आप लोग कई ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जहां पर आप ऐसी चीजों का जिक्र कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, और आप ये जानना चाहते हैं कि इनसे मुक्ति कैसे मिले. किसी ने पूछा कि मैं confused रहता हूँ, prioritize कैसे करूँ. He is asking how to be free of confusion. मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है उसको होने दीजिए. That is the reason I said there is no weakness. इसकी करतूतें हैं. This is the way it operates. This is the way it operates. और आप जब तक जिंदा हैं तब तक ही काम ऐसे ही करेगा. Just don't associate yourself with it. Let the mind compare. You don't get into comparison. अंतर समझ रहे हैं? एक तो बात यह है कि मन की एक ऑटोमेटिक मशीनरी है, वो लग जाती है कंपैरिजन में. और लीजिए रिजल्ट आया सेमेस्टर का, द माइंड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कंपेयरिंग. मेरे इतने मार्क्स, उसके इतने मार्क्स, अब एग्रीगेट परसेंटेज इतना हो गया, उतना हो गया. दैट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हैपनिंग. लेट दैट हैपन. एंड व्हेन दैट इज हैपनिंग, वॉच दैट इट इज हैपनिंग एंड स्माइल एट इट. इसका काम है ये सब करना. इस बात को सीरियसली लेने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ये सब ये क्यों करता रहता है, उसको करने दीजिए. And when you do not associate yourself with what it is doing, you will find that it gets relaxed, that it does not have any more energy to keep on doing what it does. जब उसे associate कर जाते हैं तो उसको और बल मिल जाता है. जब उसे identify कर जाते हैं तो उसको ताकत मिल जाती है कि और compare करे. वो जो कर रहा है उसे करने दीजिए. आप थोड़ा सा दूर खड़े हुए देख लीजिए कि ये सब हरकतें कर रहा है, और बिल्कुल उससे लड़िए मत. The more you fight with it, the more strength you give to it. Don't fight with it. It's a small child. छोटे बच्चों से कौन लड़ना चाहता है? छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो आएंगे, कई बार नाराज होंगे. उस बेचारे की हाइट ही आपके घुटने तक है. वो आएगा, वो आपको ऐसे ऐसे मारना भी शुरू कर देगा. आप क्या करोगे? उसे थप्पड़ लगाओगे जोर का? आप उसकी ओर देखोगे, हाँ भाई क्या करता है जो करना है. तो इसका काम है ये सब करना, उसे करने दीजिए. राइट? डू नॉट फाइट एंड डू नॉट फील स्मॉल. ये मत सोचिए कि मैं कैसा हूं, मैं कितना बुरा हूं, मेरे मन में ये सब क्या चलता रहता है. ओ माय गॉड, मेरे मन में कैसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं. उसका काम है कि ऐसे ऐसे थॉट्स आते ही रहे. अभी आप यहां बैठे हैं पिछले 1.5 घंटे से, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात ना आई हो जो बताने लायक भी ना हो.
यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके थॉट्स की पूरी एक कहानी अगर लिख दी जाए तो उसको छुपाने की कोशिश ना करें। तो हम क्या करें, हम गिल्टी महसूस करें, हम छोटा महसूस करें, हम कहें कि बड़ी गलती हो गई, हम बड़े पापी हैं। None of that. It is the nature of the mind. Thoughts से आपको ही नहीं आ रहे, मुझे भी आ रहे हैं। आप तो बेचारे बैठे हो, आपके पास बोलने का मौका तब आ रहे हैं। मैं तो बोलता जा रहा हूं पर ये ऐसी उल्टी चीज है कि बोलते बोलते भी अपना काम कर रहा है और सोचे जा रहा है और इधर उधर पता नहीं कहां कहां हुआ है। So what do we do with it? Declare it to be a rascal? Kill it? Killing it means killing myself. This is a joke and take it as a joke. Don't take yourself too seriously. जब compare करो तो अपने आप से बोलो शुभ्रा, right? बोलो शुभ्रा तो फिर compare कर रही है। ठीक है, पैर तो है ही ऐसे। Yourself as a joke. There was that wonderful thing that we put on our Facebook page. कि बुद्ध थे, बुद्ध ने कहा था, be a light unto yourself. And it was a precious statement, a beautiful statement. कि अपनी रोशनी खुद बनो, किसी और से मत पूछो. And there was another Buddha in the last century, Osho, who said, be a joke unto yourself. And I think this is an equally precious statement. Be a joke unto yourself. अपने आप को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सीरियस नहीं है, कुछ भी सीरियस नहीं है, मजे में रहो, मस्त रहो। मस्त नहीं रहोगे तो गिल्टी फील करोगे, कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया जाएगा कि तुम सिनर हो, पापी हो। None of that. You are all right. We all are all right.